एनीवेज मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी में। मुनावर फारूखी ने अब सिंपथी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, ये बात मैं नहीं उनके हेटर्स कह रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार मुनावर फारूखी के हेटर्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है खुशी रू। तो गाइस क्या आप लोगों को लगता है कि मुनावर फारूखी इस वक्त सिंपथी कार्ड खेल रही हैं, क्योंकि ऐसा कहना जो है उनके हेटर्स का है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुनावर फारूखी के साथ काफी सारी चीजें हो रही हैं। मुनावर फारूखी अपना काम करना चाहते हैं पर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। काफी ज्यादा पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियन है वो काफी ज्यादा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इसके बीच में, और काफी सारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं और काफी सारे लोग जो है वो अगेंस्ट भी होते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण इस वक्त मुनावर फारूखी जो है सोशल मीडिया पर और काफी सारी जगहों पर शांत हो चुके हैं। और हेटर्स का भी कहना ये है कि अभी बिग बॉस 16 में उसके आने की बातें हो रही है ना, तो बिग बॉस 16 में आने से पहले ही एक महीना जैसे रह गया, तो इसने मुनावर फारूखी ने सिंपथी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा उदास हो गया है, सोशल मीडिया पे शांत हो गया है, इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि भाई इसके साथ ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है। एक महीने पहले शांत हो गया कि इसको सिंपथी मिले और वहां पर जाके लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ये सिंपथी कार्ड खेल रहा है मुनावर, ये बातें जो है हेटर्स बोल रहे हैं। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो बताइए जरूर, या उन हेटर्स को आप क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे उसके बारे में बताइए। इसी के साथ ना लेते हैं इजाजत, नमस्कार।